हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है, टैकीकार्डिया क्यों होता है और टैकीकार्डिया से बचने का तरीका क्या है, ये टैकीकार्डिया कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर द्वारा पता की जाती है ये टैकीकार्डिया। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे टैकीकार्डिया के सिम्टम्स और वो कौन सी बीमारी है जिसके सिम्टम्स दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन टैकीकार्डिया में और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। टैकीकार्डिया एक बहुत ही सीरियस और गंभीर बीमारी है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठंड हो या गर्मी के मौसम में अगर अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ रही हो तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समस्या को टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें आपका हार्ट 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है, जबकि हार्ट बीट प्रति मिनट 60 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए। अगर बिना किसी एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क के भी दिल तेजी से धड़क रहा है तो ये चिंता का कारण बन सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि टैकीकार्डिया की वजह से हार्ट फेल, स्ट्रोक और सडन कार्डिक अरेस्ट होने का भी खतरा रहता है। जब दिल तेजी से धड़कता है तो शरीर के बाकी हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। इस स्थिति में सांस लेने में कठिनाई और छाती में दर्द भी होता है। इसलिए दिल की बढ़ी रही धड़कन पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए कार्डियोलॉजिस्ट से, एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस बीमारी की पहचान और बचाव कैसे कर सकते हैं। अचानक मौत होने का भी खतरा में कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि अक्सर लोगों को रात में सोते समय हार्ट बीट बढ़ने की समस्या होती है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बाद में हार्ट अटैक आने का भी रिस्क रहता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि बिना फिजिकल वर्क के ही आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और ये समस्या अक्सर हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार हार्ट बीट बढ़ने के साथ ही कमजोरी, सांस लेने में परेशानी और अचानक से पसीना भी आता है। ये तीनों ही दिल का दौरा पड़ने के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में अचानक ही मौत होने का खतरा रहता है। इस स्थिति में बचाव के लिए तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है। चेकअप के बाद डॉक्टर तेज दिल की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए दवा या अन्य प्रक्रिया या फिर गंभीर मामलों में सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनका पालन करके इस समस्या से बच सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, उन 4 टिप्स को भी जान लेते हैं जिसको आप अपना कर यानी कि फॉलो करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो उसमें है, डाइट का ध्यान रखें, मोटापे नियंत्रण में रखें, अच्छी नींद लें, मानसिक तनाव ना लें। आप आइए फ्रेंड्स, इसको हम तफसीर से जान लेते हैं, यानी कि डाइट का ध्यान रखें। सर्दियों के मौसम में लोग खान पान पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, तला भुना और जिंक फूड खाना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय ज़रूरी है कि डाइट में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें और प्रोटीन व विटामिन को शामिल करें। नेक्स्ट है, मोटापे नियंत्रण में रखें। ठंड के मौसम में लोग एक्सरसाइज करने से बचते हैं और खान पान भी अधिक हो जाता है, जिससे अक्सर वजन बढ़ने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि वजन को कंट्रोल में रखें और इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है। अच्छी नींद लें। नींद की कमी शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालती है। ऐसे में ज़रूरी है कि रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नेक्स्ट है, मानसिक तनाव ना लें। मेंटल स्ट्रेस का असर हार्ट की हेल्थ पर भी पड़ता है, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। इसके लिए रोज़ाना ध्यान और योगा का सहारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात का और ख्याल रखें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं या आप नई नई अभी आपने डिग्री ली है, तो यहाँ पे एक सिम्टम्स आपको मैं और जानकारी आपके लिए बता दूं कि टैकीकार्डिया में और निमोनिया में दोनों को अगर सिम्टम्स अगर देखने स्ट्रेंथ स्कोप से अगर आप चेक करते हैं
तो दोनों के सिम्टम्स एक ही लगेंगे, क्योंकि उसमें भी निमोनिया में भी खर खर की आवाज़ आती है स्टेथोस्कोप में और टैकीकार्डिया में भी। लेकिन टैकीकार्डिया में अलग बीमारी है और निमोनिया अलग बीमारी है। अब आइए फ्रेंड्स इसकी जांचों के बारे में भी जान लेते हैं, जो इस बीमारी में डॉक्टरों द्वारा जांच कराई जाती है तो वो कौन सी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG, इकोकार्डियोग्राम, कोरोनरी एनजियोग्राम, ब्लड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, एक्सरा, MRI या CT स्कैन। अगली वीडियो में आपके लिए निमोनिया के ऊपर कुछ खास सिम्टम्स जो होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप वो देखिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं।